ओके चलो फिर क्लियर करेंगे ना बताऊंगा बताऊंगा ये आपका है डेयर शॉट एंटर आलिया नहीं बात कर रहे हो कुछ कुछ बात नहीं करना हाथ में चलो हैंडल कर लो माइकल फाइल रखना जरा ओके टेक सब लोग हैंड करना रेडी ओके पीछे बात मत करो ओके टेक देखा तो बात करना नीचे आलिया किशन कुछ कुछ बोल रहे हैं कुछ बात करते रहो थोड़ा पास में खड़े हो सॉरी हाँ आने से एंट्री से चलो कटिंग करते हैं भाई Thank you.
लगाओ उसकी एंट्री आपकी एंट्री से रोलिंग एक्शन मम्मी की हेल्थ को लेकर हूँ. एक नई दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है कि मम्मी की हेल्थ भी है और ये दुनिया मुझसे कितनी अलग है.
लेकिन किसी भी दुनिया में मैं शायद एडजस्ट कर लूंगी इस वक्त अपनी मम्मी की खुशी के लिए. तो बहुत बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में. बहुत ज्यादा अभी वक्त लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि जैसी उनकी दुनिया है थोड़ा वो ढल जाऊँ उसमें और थोड़ी उनको अपनी दुनिया में ढालूँ. वो आपको लगता है जितनी आप बहुत एक्साइटेड? हाँ, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ एक्साइटमेंट की जगह, क्योंकि दुनिया इतनी अलग है और मुझे नर्वसनेस उसकी भी है. मेरी मम्मी की है, पिछले दिनों कुछ ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि वो भी आराम से रहें और ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उनको उनका हेल्थ अभी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो वो सब कुछ चल रहा है दिमाग में. आपको लगता है कि आपको ये सब सेटल कैसे? एक्चुअली अभी मेरा सेटलमेंट की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा जो है अभी इस वक्त सोच रही कि बस माँ को और टेंशन नहीं देना है, और मतलब मेरा सेटलमेंट मैं बाद में देख लूँगी, किसी से भी शादी कर लूँगी उसके बाद जो है वो देखा जाएगा. पहले माँ खुश रहनी चाहिए, माँ की तबीयत ठीक होनी चाहिए. काफ़ी चिंतित है इस वक्त, क्योंकि वही प्राइमरी कंसर्न है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने माँ को बहुत ज़्यादा परेशान किया है. तो इसलिए देखो लोगों ने कुछ बोला कुछ.